নমো ড্রোন দিদি প্রকল্পে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে রাজ্যে প্রথম ড্রোন লাভ করল রাজ্যের খোয়াই দিব্যদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র উল্লেখ্য মহিলাদের হাত ধরে কৃষি বিজ্ঞানকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে দুই তেইশ সালে নমো ড্রোনের দিদি প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের মহিলা কৃষকদের সুবিধা প্রদান করাই হল এই প্রকল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য এবার এই প্রকল্পে রাজ্যের খোয়াই দিব্যদয় কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রকে কৃষিজাত ওষুধ স্প্রে করার জন্য একটি ড্রোন প্রদান করা হয় বিজ্ঞান কেন্দ্রের অধীন পূর্ব রামচন্দ্রঘাটের নিউ ফার্মার্স ক্লাবের সদস্য প্রীতিলতা দাস বিজয়লাল মজুমদার ও হীরালাল দাসের সবজি জমিতে এই ড্রোনের মাধ্যমে কৃষিজাত ঔষধ স্প্রে করা হয় বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে দিব্যদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ড মনোজ সিং সাচান জানান ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দিব্যদয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রকে এই ড্রোন দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এই ড্রোন কৃষকদের খুবই উপকারে আসবে আধুনিক কৃষিকাজের জন্য এই ড্রোন কৃষকদের খুবই প্রয়োজন এই ড্রোনের মাধ্যমে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময়ের মধ্যে এক হেক্টর জমিতে কীটনাশক স্প্রে করতে পারবে কৃষকরা ये जो ड्रोन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को प्राप्त हुआ है भारत सरकार कृषि मंत्रालय की तरफ से आई अटारी जोन सेवन की तरफ से ये दिबोदय कृषि विज्ञान केंद्र सेलेक्ट किया गया तथा प्रथम ड्रोन इस कृषि विज्ञान केंद्र त्रिपुरा राज्य में प्राप्त हुआ है तथा ये जो खेती किसानी भी धीरे धीरे आजकल हाईटेक होने लगी है सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है तथा आजकल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कृषि ड्रोन को नमो ड्रोन दीदी दी के नाम से भी प्रचार हेतु रख दिया है तथा कृषि ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है ये एक मानव रहित विमान होता है यूं कहें कि एक उड़ने वाला रोबोट है इसे दूर से ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है उन मुश्किल से पंद्रह से बीस मिनट में लगभग एक हेक्टेयर भूमि में कीटनाशक या उर्वरकों का छिड़काव कर देता है तथा हमारे इस खोई ज़िला में मोर देन टू हंड्रेड डिमोस्टेशन ऑलरेडी किए जा चुके हैं इस ड्रोन डिमोस्टेशन से तथा ड्रोन आधारित जो भी रसायन कीटनाशक उर्वरक का छिड़काव हमारे कृषकों की खेती में किया गया है इससे कृषकों को बहुत सारा लाभ मिला है तथा भविष्य में यदि भारत सरकार प्रधानमंत्री की तरफ से त्रिपुरा राज्य में और भी ड्रोन यदि सरकार की तरफ से दिए जाएंगे तो कृषकों को अत्यधिक लाभ होगा तथा कस्टम हायरिंग सेंटर पर्पज में ये रखने से और अत्यधिक किसानों को मुनाफा होगा प्रधानमंत्री उद्योग के फले आनंदित हो तो कृषक Bureau report are in news